بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, this is our 12th video lecture of physics second year online classes phase 2. हमने अब तक photoelectric effect की theory पढ़ ली है और next two lectures में यानी video 12 और 13 में हम इंशाल्लाह कुछ numericals problems और कुछ बुक की एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम बुक की एग्जांपल 17.5, 17.6 और 17.7 ये तीन एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है। शुरू करते हैं, उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये फार्मूलाज इन प्रॉब्लम्स में यूज होंगे या आप अपने पास नोट डाउन भी जरूर कर लें। सबसे पहले प्लैंक्स लॉ का एक फार्मूला E=hv, ये पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी इस्तेमाल हुआ है। ई मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट और वी मीन्स फ्रीक्वेंसी। आपसे एनर्जी पूछी जाए और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वी मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन हो तो आप एनर्जी मालूम कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी है V, ये बराबर होता है सी अपॉन लेमडा के, V = c/λ। तो अगर हम इसको c/λ से रिप्लेस कर दें तो ये E का दूसरा फार्मूला बन जाएगा E = hc/λ। यहाँ पर लेमडा वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 × −34 जूल पर सेकेंड जी। थर्ड फार्मूला हमारे पास है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी प्लेट से, उसकी सरफेस से बाहर निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट अपॉन दैट सरफेस, जब उस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो मिनिमम क्या एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसकी सरफेस से, तो वो कहलाती है वर्क फंक्शन। चूंकि ये एनर्जी होती है तो एनर्जी का फार्मूले में एच वी था तो इसके फार्मूले में भी एच वी होगा, लेकिन फर्क यहाँ पे एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो वी होता है उसको हम रिप्लेस करते थे वी नॉट से, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। और ये वी नॉट क्या होता है, ये होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ये हमने तफसील से पीछे पढ़ लिया। चौथा हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल के हवाले से, कि हाफ एम नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पर एम नॉट मास है, वी स्क्वायर वेलोसिटी है, ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी 1.6 × −19 कूलम, और वी नॉट ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा इन न्यूमेरिकल्स में, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स ई माइनस फाइव। ये फार्मूला आप याद कर लें, ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होगा। ये जो वी नॉट है, कैपिटल वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जिस पे कोई करंट शो ना करे गैल्वेनोमीटर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो पोटेंशियल जब पहुँच जाए जिस पोटेंशियल पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला है लैम्डा सी इक्वल्स एच सी अपॉन ई वी नॉट। इसी तरह वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी, ये फार्मूला भी हम सिर्फ, ये दो फार्मूला सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ये आप अपने पास लिख लीजिए, कट ऑफ वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी। कट ऑफ वेवलेंथ जिस तरह यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, कट ऑफ वेवलेंथ से मुराद वो मिनिमम वेवलेंथ है जहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, ज़्यादा जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होंगे वो ये ऊपर वाले यूज़ होंगे, एक ये ऊपर वाले तीन ज़्यादा यूज़ होंगे और ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। शुरू करते हैं पहली एग्जाम्पल 17.5। What will be the energy of an X-ray quantum of wavelength 1 × −10 meter, 1 angstrom? आपसे पूछी जा रही एनर्जी X-ray quantum की, energy means E पूछा जा रहा है, X-ray quantum आपको given है, उसकी wavelength given है 1 × −10 meter, wavelength means lambda given है,
एनर्जी ई पूछी जा रही है। तो हम अगर डेटा बनाएंगे तो हमारे पास डेटा में क्या गिवेन है, लैम्डा गिवेन है 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर होता है ना, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, ए उसके ऊपर छोटा सा डॉट। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक भी पावर डॉट से। जैसे मिलीमीटर को हम एक्सपोनेंट माइनस 3 को हम मिली से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट माइनस 6 को हम माइक्रो कहते हैं, इसी तरह एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो ये हमें गिवेन है, हम एनर्जी हमसे पूछी गई है। एच हमें पता है कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी लाइट की वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है, ई ई का फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एच वी या एच सी अपॉन लेमडा, ये दो फार्मूला है ई के, ठीक है। एच वी, एच तो पता है विलोज फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता थी, लेकिन लेमडा पता थी यानी वेवलेंथ। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और हमें सवाल में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन बल्कि वेवलेंथ लेमडा गिवन है। तो हम ये सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा ई इक्वल्स एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है जी। ये फार्मूला हमने यूज़ किया ई इक्वल एच वी, यहाँ वी को रिप्लेस करा दिया सी अपॉन लेमडा से, तो ई इक्वल्स एच सी अपॉन लेमडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, और मल्टीप्लाई बाय सी, ये भी कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे लैम्डा ये हमें सवाल में गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई इक्वल्स 19.89 एक्सपोनेंट माइनस 16 जूल, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पॉइंट को अगर शिफ्ट कर दें 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 15 जूल। ये हमारे पास ई आ गया, एनर्जी ऑफ एन एक्सरे क्वांटम, ठीक है जी। तो हमने सिंपल फार्मूला यूज़ किया और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट भी आसान प्रॉब्लम है, सेम उसी तरह से जैसे पिछली लास्ट एग्जांपल थी, कि आपसे कहा जा रहा है कंपेयर करनी है आपने एनर्जी ऑफ एन एक्सरे ऑफ एन एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन की एनर्जी कंपेयर करनी ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ फिर दोबारा की मैंने 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर यानी 2 एंगस्ट्रॉम विद द एनर्जी ऑफ 2 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड फोटोन। आप गौर करें तो यहाँ पे आपको दो वेवलेंथ्स की मिले, एक है 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, दूसरी है 2 माइक्रोमीटर यानी 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर इंफ्रारेड फोटोन। आपसे कहा जा रहा है कि आपने इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है, कंपेयर यानी पहले आप ई वन मालूम करोगे इस वेवलेंथ को यूज़ करते हुए, फिर आप ई टू मालूम करोगे इस वेवलेंथ को यूज़ करते हुए तो जब दोनों ई वन और ई टू आ जाएंगे उनको डिवाइड कर दोगे आप इसमें, कंपेरिजन जहाँ भी सवाल में कंपेयर का लफ्ज़ है आप वहाँ पे दो वैल्यूज़ को मालूम करके आप इसमें डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर आपने E1 E2 मालूम करने सिंपल, तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं वी हैव द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे गिवन बाय E1 के लिए HV1, तो यहाँ पे V को रिप्लेस करेंगे सी अपॉन लेमडा से जैसे पीछे हमने किया था, तो क्योंकि लेमडा गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, तो लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो E1 क्या होगा HC अपॉन लेमडा 1, E1 क्या होगा HC अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 1 की जगह हम लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 10, एच और सी दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे E1 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो इंफ्रारेड फोटोन है उसके लिए हमें लैम्डा 2 इस्तेमाल करना है, तो E2 इक्वल HC अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 2 हमारे पास है 2 माइक्रोमीटर यानी 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, ये 6 होगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो उसके बाद E2 हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट E1 और E2, जो E1 हमारे पास आंसर आया और ये E2 हमारे पास आंसर आया, आप इसको डिवाइड करा दो E1 अपॉन E2, तो आपके पास E1 भी पता है E2 भी पता है, जो आप डिवाइड कराओगे तो आंसर आ गया एक्सपोनेंट 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो E1 और E2 की कंपैरिजन से वैल्यू आ रही है वो एक्सपोनेंट 4, यानी E1 की एनर्जी इस वेवलेंथ की एनर्जी वो इस E2 की एनर्जी से एक्सपोनेंट 4 टाइम ज़्यादा है। इस वेवलेंथ की एनर्जी जो E1 है वो इस वाली वेवलेंथ की एनर्जी जो E2 है इसकी एनर्जी से एक्सपोनेंट 4 टाइम ज़्यादा है, ठीक है, यानी 10,000 गुना ज़्यादा है, ये आपने कंपेयर करके बता दें। तो जहाँ भी कंपेयर कर लगे आपने सिंपल दो वैल्यूज निकाल कर उनको आपस में डिवाइड कर लें। नेक्स्ट जो आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
एग्जाम्पल 17.7 सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.8103 एक्सपोनेंट -7 मीटर। आपको सोडियम लाइट गिवन है, उसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, फॉल्स ऑन अ फोटो सेल, एक फोटो सेल पर वो फॉल करती है। अगर अ नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.30 वोल्ट, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट गिवन है, लैम्डा गिवन है क्लियर, वी नॉट गिवन है क्लियर, इज नीडेड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर। आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर की तरफ जा रहे थे अब वो नहीं जाएंगे, और आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करना रुक जाते हैं और करंट फ्लो जीरो हो जाता है तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव हो जाता है। तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे ए, वो है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्लेट। वर्क फंक्शन आपने मालूम करना है, आपको क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। अगर आप याद करें ऊपर हमने जो फार्मूला देखे थे वर्क फंक्शन के, एक तो ये फार्मूला था, ठीक है जी, दूसरा हमारे पास ये भी फार्मूला था, सही है। तो अब देख हम कौन सा फार्मूला इस पर यूज करें। तो सबसे पहले तो आप डेटा बना देंगे, लैम्डा की जगह आपने लिख दिया 5.893 एक्सपोनेंट -7 मीटर, और सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट, ये आपको पता है 0.30 वोल्ट, और ये आई ये स्मॉल ई है, ये दैट इज नहीं है बल्कि स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यह है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये चारों चीज़ें आपको पता है, और एच ये भी कांस्टेंट होता है, आपने मालूम करना है फाई। तो आप यूज कर सकते हैं आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, वी नॉट ई इक्वल एच वी -5। अब ये कहाँ से आई, तो अगर आप गौर करें हमने ऊपर इक्वेशन देखी थी ये वाली, काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई -5। तो अगर इस इक्वेशन में मैं इस हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ऊपर यही है, तो मैं इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख दूं ई वी नॉट, यहाँ पर इक्वल्स ई की जगह मैं लिख दूं एच वी -5, तो ये बन जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू ई की जगह एच वी -5, और यहाँ पर यही इक्वेशन यूज है, क्लियर है, ये E है, ई वी नॉट इक्वल्स एच वी -5। हमें फाइ मालूम करना था, फाइ को हमने वहाँ भेज दिया तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये वी नॉट ई को यहाँ पर आपने माइनस करा दिया एच वी से। अब एच और वी, ये जो वी है फ्रीक्वेंसी का, इसको आपने रिप्लेस कर दिया हमेशा की तरह सी अपॉन लेमडा से, तो ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा -V0E। एच आपको पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट ये कॉन्स्टेंट आपको पता है, लेमडा आपको सवाल में गिवन है, और V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको पता है 0.3 वोल्ट, और ये जो E है इसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ये आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, पहले इनको डिवाइड कराया फिर इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास फाइ आ जाएगा 2.90 एक्सपोनेंट -19 जूल। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चूंकि इन सवालों में नॉर्मली जो एनर्जी का यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ये हमारे पास आया था फाइव 2.90 एक्सपोनेंट -19 जूल। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो आपके पास ये जूल यूनिट से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। तो फाइव हमारे पास आ गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, और चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सवाल में आप पे कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो इस पार्ट है इस सवाल का, वो है बी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल रिक्वायर्ड। आपको पोटेंशियल पूछा जा रहा है इस दफ़ा, लास्ट टाइम आपको पोटेंशियल गिवन था, इस सवाल में इस पार्ट में आपको पोटेंशियल पूछा जा रहा है यानी वी नॉट व्हेन लाइट ऑफ इतने वेवलेंथ इज यूज, 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर यूज की जाए इतने वेवलेंथ की, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो इस सवाल में इस पार्ट में आपको लैम्डा गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000 मल्टीप्लाई बाय 10^10 मीटर, इसको हमने पावर 7 में किया तो ये 3 0 कैंसिल होगा। फाइव हम पीछे मालूम कर चुके हैं पार्ट ए में 2.90 एक्सपोनेंट -19 जूल, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, हमसे पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। लास्ट वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया था दोबारा वही यूज़ करेंगे, पिछली दफ़ा हमें सब गिवन था फाइव पूछा गया था, इस दफ़ा हमें फाइव गिवन है जो हम मालूम कर चुके थे, वी नॉट पूछा जा रहा है, तो वी नॉट को यही रहने देंगे, इस वी की जगह सी अपॉन लेमडा लिखेंगे, और ये जो आपके पास सी है ये सारी वैल्यूज आपको पता है
एच भी पता है, सी भी पता है, लैम्डा भी पता है सवाल में, फाई आप पीछे मालूम कर चुके हैं, और ये जो ई है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, इनको आपने डिवाइड कराया, फिर ये माइनस कर गए हो जाएगा, और इस मल्टीप्लाई फैक्टर को वहाँ पे डिवाइड करा देंगे, तो आपके पास वी आ जाएगा 2.07/1.6 यानी 1.29 वोल्ट्स। एकदम फिर समझ ले, हमारे पास इस सवाल में पार्ट ए में क्या मालूम करना था, फाई मालूम करना था हमने, तो हमने वही आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करी, फाई को अलग कर दिया, वी की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह सी अपॉन लैम्डा रखा, सारी वैल्यूज पता थी, उनको पुट करके आंसर आ गया। यहाँ पर हमें लैम्डा पता था लेकिन वी नॉट मालूम करना था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वही इक्वेशन यूज की, वी नॉट को यहीं रखा, सारी वैल्यूज को हमने जो हमें मालूम थी पुट किया, सॉल्व किया, और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। आज के लिए इतना ही, हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स थी, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आप अपने पास ये तमाम एग्जाम्पल्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।